रिसेंटली मैं वियतनाम गया था और वियतनाम ने मुझे एक फाइनेंस का लेसन सिखाया है ये लेसन ये है कि इन्वेस्टमेंट करना तो जरूरी है ही लेकिन इसके साथ जरूरी है पैसों को सेव करना वियतनाम जाने के बाद मैं वहां के करेंसी एक्सचेंज में गया जहां पर मुझे पता चला कि करेंसी एक्सचेंज के लिए मुझे दो से ढाई की फीस पे करनी पड़ेगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर लू और ये फी बचा बचालू तो मैंने जहा जहाँ पॉसिबल हो वहाँ वहां पर अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया इंडिया के ज्यादातर क्रेडिट और डेबिट कार्ड थ्री टू फाइव का फॉरेक्स मार्क फी लगाते हैं जिसके बाद मुझे पता चला कि मुझे तो यहाँ पर नुकसान ही हुआ है साथ ही ए के विड्रॉल पर भी वो फिक्स चार्ज लगाते हैं तभी यहाँ पर मेरे दोस्त ने मुझे दो चीजें बताई पहली चीज ये है कि अगर तुम वीपीएन यूज करते हो फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए और उस कंट्री को यूज करते हो जिसका पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम है तो तुम्हें फ्लाइट चार्जेस टेन टू ट्वें कम लगेंगे हालांकि ये चीज थोड़ी अनिथिकल हो सकती है या कॉन्ट्रवर्सी भी इसमें जरूर है तो इस पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया दूसरी चीज उसने ये बताया कि अगर तुम न्यू ग्लोबल कार्ड यूज करते हो तो तु उस पर फॉरिक्स मार्का फी नहीं देनी पड़ती तो अगर आप नेक्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप पर जाते हो तो न्यू ग्लोबल कार्ड जरूर यूज करें जहां पर आपको किसी भी तरह तु की तु फॉरिक्स मार्का तु फी तु नहीं तु लगेगी और तु इनके सेविंग अकाउंट पर आपको मिलेगा फाइव परसेंट पर एन का इंटरेस्ट जिसका होता है मंथली बेसिस पर तो पिन कमिंग को चेक करें और न्यू ग्लोबल ऐप को इंस्टॉल करके इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जरूर यूज करें और अपना पैसा सेव करें